हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निविदा क्लासेस। आई एम निविदा जयसवाल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इंटरनेशनल लॉ के ऑल टॉपिक पर क्लियर कर दी हूँ, ऑल टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दी हूँ। आप निविदा क्लासेस के प्लेलिस्ट में इंटरनेशनल लॉ लेक्चर में आप देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है, पिंकी, सुषमा, मनीष, मौर्या इत्यादि लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर वीडियो शेयर करें, बिकॉज हमारे जो एग्जाम हैं आने वाले हैं, ये टॉपिक मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो उन बच्चों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको मैं क्लियर कर देती हूँ एक दो तीन दिन में, ताकि आप एग्जाम में लिखने में आपको आसानी हो। तो आज हम लोग समझते हैं कि आखिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है। इसे हम लोग हिंदी में प्रशासनिक विधि कहते हैं। आपको तो पता होगा कि इसे हम लोग हिंदी में प्रशासनिक विधि कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसकी हिस्ट्री की ओर। जब तक आप हिस्ट्री नहीं जानेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि आखिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है। जब 14th सेंचुरी थी तो हम जितने भी समाज है, या हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में, वर्ल्ड में क्या है, अशिक्षा थी। लोग क्या है कि लोग एक दूसरे के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोग जानते नहीं थे, और लोग अपने जंगलों में जीवन यापन करते थे, और लोगों को नहीं पता होता था कि आखिर हमारी राइट्स क्या होती है, आखिर हमारे अधिकार क्या हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं। तो लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी को जीते हैं, काटते थे पहले के ज़माने में, 14th सेंचुरी में। राजा महाराजा का उस समय शासन चलता था और लोग प्रजा और दासी के रूप में अपना जीवन यापन करते थे, और अपने आप को उसी में संतुष्ट रहते थे, और उसी तरीके से जीवन यापन करके वो खुश रहते। खेती करना उनका मुख्य जो कार्य होता था, खेती करना होता था, और हम कह सकते हैं कि पत्थर काटना, नदी से मछली को पकड़ना इत्यादि, ये सब जो वर्क है वो लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था, और उसी में उन्हें खुशी मिलती थी, और वही उनकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। राजा के द्वारा अगर कोई भी सजा दिया जाता था तो उसी को वो लोग मान लेते थे। अब हम लोग चलते हैं कि जब 19th सेंचुरी आई तो लोग क्या है कि लोग पढ़ने लिखने लगे, ग्लोबलाइजेशन आने लगा, नगरीकरण होने लगा, औद्योगिकरण होने लगा, कल कारखाने खुलने लगे, लोगों के बीच में क्या हुआ कि जनसंख्या की वृद्धि होने लगी, लोग एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे, लोगों की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इसके बारे में जानने लगे, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं इसके बारे में लोग जानने लगे। जब 19th सेंचुरी आया तो लोग अपने अपने कर्तव्यों को जानने के लिए सोचने लगे कि ऐसा कोई कानून बनना चाहिए, ऐसा कोई समाज के प्रति काम कर सके, ऐसा कोई लॉ बनना चाहिए जो समाज के प्रति काम कर सके। जो जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जब ठंडी में रोड पर जब भिखारी लोग खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, अपना उसी में जीवन यापन करते हैं, तो क्या हम या आप उसके बारे में सोचते हैं कि जाकर उसको कंबल दे दिया जाए? कौन सोचता है? हमारी सरकार सोचती, हमारी पार्लियामेंट सोचती है। अब क्या है कि जैसे कि कोई भी बिहार राज्य हो गए, बहुत वहाँ पे बाढ़ आती है, ऐसी वहाँ पे आप भुवनेश्वर में, पुरी में सुनामी आता है, वहाँ पे सुनामी जैसी घटना होती है, या हम कह सकते हैं कि चक्रवात आती है, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो क्या हम और आप जाके उन लोगों को बचाते हैं? कौन बचाती है? सरकार बचाती है। सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है ताकि वो लोग क्या है कि एक सुरक्षित स्थान पर, नदी और समुद्रों के जगह से हटकर सुरक्षित स्थान पर चले जाए। तो कौन बचाता है? हमारी पार्लियामेंट बचाती है, हमारी डेमोक्रेसी बचाती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बचाती है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव प्रणाली है वो बचाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो गरीब लोग जो ठंडी में क्या करते हैं कि रोड पर ही सोते हैं, क्योंकि उनके पास घर नहीं होता है, जगह नहीं होती है, तो क्या हम या आप उनको जाके कंबल उड़ाते हैं? नहीं उड़ाते हैं। कौन उड़ाता है? कौन उनकी रक्षा करता है? कौन उनकी सहायता प्रदान करती है? हमारी इंडियन डेमोक्रेसी सहायता प्रदान करती है, हमारी सरकार ये सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो बॉडी है उसके बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इस एडमिनिस्ट्रेट, यहाँ आपने समझा कि जितने भी गवर्नमेंट के कार्य होते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, तो वो किस में डिफाइन किया गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डिफाइन किया गया है। यहाँ आपने समझा, जैसे कि हमारी पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी की पिलर कौन कौन सी है? लेजिस्लेचर,
लेजिस्लेचर के अंतर्गत आ जाती है। लेजिस्लेचर मीन्स होता है कि विधायी शक्तियां, विधायी, विधायिका। विधायिका के अंतर्गत कौन आती है? पार्लियामेंट आती है, हमारी संसद आती है। संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। और जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो हमारी जुडिशरी को हम कह सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत ये जुडिशरी आती है, न्यायिक प्रणाली हो जाती है। थर्ड पॉइंट है एग्जीक्यूटिव, मींस होता है कि कार्यपालिका। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, जैसे कि केंद्र के द्वारा जो शक्ति प्रदान की जाती है, केंद्र सरकार हो गई, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार भी हो गई। क्योंकि हाँ, आपको तो पता है कि भारत में दो प्रकार की शक्तियां काम करती है, एक तो केंद्र सरकार के द्वारा शक्तियां चलाई जाती है और एक होती है राज्य सरकार के द्वारा, एक राज्यों के जो जनता है उनकी रक्षा की जाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कौन हो जाता है? स्टेट गवर्नमेंट, एंड हो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इंडियन डेमोक्रेसी की तीन पिलर है, यहाँ पे पिलर में बना देती हूँ। तीन पिलर कौन होगी हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की? ये मान चलिए हमारा इंडिया है, तो इंडिया की ये पिलर जो है, एक हो जाती है लेजिस्लेटिव, एंड एक हो जाता है जुडिशरी, एंड एक हो जाता है एग्जीक्यूटिव। ये तीनों मिलकर क्या करती है? प्रशासनिक विधि का निर्माण करती है, या हम कह सकते हैं कि ये तीनों मिलकर इंडिया की डेमोक्रेसी को चलाती है। इंडिया की जितनी भी जनता है, हम हो गए चाहे आप हो गए, उनकी जरूरतों को पूरा करती है। ऐसा नहीं कि वो पैसा कमा के दे देती है, लेकिन जब भी ऐसी परिस्थिति हो जाती है, बाढ़ में हम लोग फंस जाते हैं, या ठंड में अगर हम लोग मरने लगते हैं, तो उनकी अलाव की व्यवस्था हो गई, या हम कह सकते हैं कंबल की व्यवस्था हो गई, बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को हटाने के लिए सरकार के द्वारा राशि प्रदान की जाती है। इस तरीके से हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी के जो तीन पिलर है, तीनों पिलर मिलकर इंडिया की जनता की रक्षा करते हैं। ओके, यहाँ पर एक बात और है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सेक्शन नहीं है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़े होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी चीज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिए हुए हैं, यही इसके सोर्स हैं। आगे मैं डिस्कस करूंगी, सबसे पहले आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ लीजिए। इसमें क्या है कि सेक्शन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सेक्शन नहीं है, और कोई एक्ट इसमें पारित नहीं हुआ था। जैसे कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उसमें एक्ट पारित हुआ था, उसमें सेक्शन है। तो इसमें क्या है कि सेक्शन नहीं है, एक्ट नहीं है। इसका कनेक्शन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कनेक्शन जो है, लीगल स्टेटस एंड जो लाइबिलिटी है स्टेट ऑफ ऑफिशियल, ये क्या करता है कि इसका जो कनेक्शन जो है, इसका कनेक्शन जो है लीगल, मीन्स होता है कानूनी, जो कानूनी स्टेटस है, लाइबिलिटीज है, जो कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक स्टेट की ऑफिशियल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मीन्स होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्राइवेट सेक्टर को डिफाइन नहीं करता, ये क्या करता है गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड है। प्राइवेट सेक्टर मीन्स समझते हो, प्राइवेट सेक्टर मीन्स होता है कि कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि उसमें हो जाते हैं वचन देने वाला या लेने वाला, इस तरीके से प्रॉमिसर, ये सब कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं पढ़ना है। इसमें क्या डिफाइन किया गया है कि गवर्नमेंट बॉडी को डिफाइन किया गया है। ये सब क्या है कि गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट पार्ट है। तो ये क्या करता है कि गवर्नमेंट बॉडी को डिफाइन करता है। लेजिस्लेचर मीन्स होता है पार्लियामेंट, जुडिशरी मीन्स होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ आपने ध्यान से समझ गए, अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि प्रशासनिक विधि में यही बताया गया है कि तीन जो डेमोक्रेसी है, तीन जो हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी की पिलर है, वही क्या करती है, जनता की रक्षा करती है, और जनता की रक्षा के लिए जितने भी कानून बनाए जाते हैं, इनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये क्या करती है कि हमारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखती है, और उसके द्वारा कानून पास करती है, और हमारे हमें समाज में एक अच्छे तरीके से जीने की, एक रुतबा से जीने की ये एक क्या करती है, एक सहायता प्रदान करती है। अब यहाँ पर बात करते हैं सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन आता है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान। संविधान किसी भी देश की जो सुप्रीमेसी लॉ दी है, सुप्रीमेसी लॉ होती है। क्या होती है? सुप्रीमेसी लॉ होती है, क्योंकि बिकॉज इसमें देश की राजनीतिक स्वरूप एवं राज्य के विभिन्न अंगों के सिद्धांत इसमें दिए गए रहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, केंद्र की भी शक्तियां निर्धारित की रहती हैं, और राज्य की भी शक्तियां इसमें निर्धारित की रहती हैं, और इसमें सारे जितने भी केंद्र के रिलेटेड जितने भी कानून हो गए, या राज्य से रिलेटेड जितने भी कानून हो गए,
वगैरह थ्योरी हो गए सारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए रहते हैं। और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे ऑल वर्ल्ड में सबसे बड़ा माना जाता है। बड़ा क्या माना जाता है, ये बड़ा है ही, और ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान के अंतर्गत संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ना तो लेजिस्लेचर जुडिशरी को अपने अंग में शामिल करने की कोशिश करती है, ना एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी को अपने अंग में शामिल करती है। तीनों जो है अपने अपने स्वरूप में ये क्या है कि स्वतंत्र है, फ्रीडम से अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। यही एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मुख्य मुद्दा हम कह सकते हैं कि सबसे एक सही बात कहा जाए तो ये क्या है कि तीनों जो हमारी जो शक्तियां है, तीनों जो पिलर है, एक दूसरे के ऊपर जो आश्रित नहीं रहती है, ये एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है और अपने अपने कानून को पास करती है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फर्स्ट सोर्स है। एंड सेकेंड क्या आता है, सेकेंड पॉइंट है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मीन्स हो जाती है कि विधायी शक्तियां। अब हम इसके अंतर्गत इसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लॉ में प्रिंसिपल ऑफ एम्पावरमेंट के नाम से भी जाना जाता है, प्रिंसिपल ऑफ एम्पावरमेंट के भी नाम से जाना जाता है। आपको तो पता है कि विधायी शक्तियां जो है हमारे देश की सबसे इम्पॉर्टेंट शक्तियां होती है। विधायी शक्तियां इसके अंतर्गत आपको लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति भी आते हैं। आपको तो पता होगा कि हमारी जो विधायी शक्तियां हैं आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा तीनों मिलकर एक लेजिस्लेशन का निर्माण करती है। और ये क्या है कि देश की जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी समस्या होती है इसे पूरा करती है। और इसके अंतर्गत जो भी कानून बनाए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत तो राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर करने के बाद पास करने का कार्य करती है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट हो गए या तीन तलाक हो गए। राज्यसभा, पहले लोकसभा में कानून पास किया गया, इसके बाद राज्यसभा में कानून पास किया गया, इसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर द्वारा लेजिस्लेशन के माध्यम से ही वो पास किया जाता है। लेजिस्लेशन के माध्यम से ही वो विधायी शक्तियों के माध्यम से ही वो पास किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मीन्स होता है अध्यादेश। अध्यादेश भार यहाँ पे थर्ड पॉइंट है ऑर्डिनेंस, इसका मीन्स होता है अध्यादेश। ऑर्डिनेंस जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल को प्रदान किया गया है। ओके, जब दोनों सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा अगर सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति लगने लगती है कि अब कानून पास करना जरूरी है या अध्यादेश लाना जरूरी है, तो वो किसी के बारे में सोचेगा नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा सत्र में नहीं है या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल जो है अपने राज्य में राष्ट्रपति की स्वीकृति की बात राज्य में है 213 के अनुसार वो ऑर्डिनेंस पास करता है। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल आर्टिकल 123 एंड जो राज्यपाल जो है 213, इसे याद रखेंगे हमेशा। ये क्या करता है, 213 राज्यपाल का है, ये है राष्ट्रपति का, ये ऑर्डिनेंस पास कराने के लिए ये कार्य करता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके आर्टिकल दिए हुए हैं, इसे आप देख लेंगे। और अब फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फोर्थ पॉइंट आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मीन्स होता है प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान में आखिर क्या कहा गया है, प्रत्यायोजित विधान में यही बताया गया है कि लॉ का निर्माण मुख्यतः लेजिस्लेचर के द्वारा किया जाता है। यहां मैंने पहले ही बोल दिया कि लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी लॉ का निर्माण किया जाता है, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट हो गए, तीन तलाक हो गए इत्यादि जितने भी बिल होते हैं आपको, वो किसके द्वारा पास किए जाते हैं, लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात कही गई है कि लॉ का निर्माण मुख्यतः जो है लेजिस्लेचर के द्वारा किया जाता है, बट कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि लेजिस्लेचर जो है लॉ बनाने की शक्ति अन्य व्यक्ति या कोई अन्य कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को दे देता है, तो उसके द्वारा बनाए गए रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर या बाई लॉ को ही हम प्रत्यायोजित विधान कहते हैं, मीन्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जो लेजिस्लेशन जो है अपने कार्य को पारित नहीं कर पाता है या कार्य को कर नहीं पाता है, तो वो क्या करता है, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गई या हम कह सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो गई या कोई भी गवर्नमेंट जो
व्यक्ति हो गए उसे क्या करता है कि रूल रेगुलेशन बनाने के लिए वह जो एक्ट है या हम कह सकते हैं कि उसको एक जो कार्य रहती है उसको दे देता है, तो हम एक इसे हम क्या कहेंगे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स प्रत्यायोजित कर देता है, अपने द्वारा क्या किया जाता है कि एक दूसरे व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर दिया जाता है। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फोर्थ सोर्स है। फिफ्थ फोर्थ सोर्स क्या कहता है, जुडिशियल रिव्यू। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हर एक एग्जाम में इसे पूछा जाता है, यहाँ तक कि TCS JEE के एग्जाम में भी पूछा जाता है। और अगर आप कोई भी इंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं या APO का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में जरूर पूछा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी कानून को पास कर दिया जाता है, या हम कह सकते हैं कि कोई भी जो जो कोई भी ये कोई भी जो एक्ट है उसको पास कर दिया जाता है, या कोई भी डिसीजन दे दिया जाता है या न्याय दे दिया जाता है, तो हमारा जो जुडिशियल रिव्यू कहता है कि पुनर्विचार, कोई भी जो कानून उसके द्वारा जो पास कर दिया जाता है या कोई भी डिसीजन दे दिया जाता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल जो है 32 एंड हाई कोर्ट को आर्टिकल, यहाँ पे आप मिस्टेक हो गया, ये आर्टिकल हो है आपको 226, इसे आप ध्यान से नोट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू में यही कहा गया है कि अगर कोई भी कानून जो है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के द्वारा बना दिया गया है तो उसे पुनर्विचार करने के लिए हमारा कानून, हमारा संविधान कहता है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत आप याचिका दाखिल कर सकते हैं, रीट हम जिसे कह सकते हैं कि रीट दाखिल कर सकते हैं, याचिका दाखिल कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं और हाई कोर्ट में है आर्टिकल 226 के तहत आप जुडिशियल रिव्यू आप दाखिल कर सकते हैं, पुनर्विचार इसे हम कहते हैं, पुनर्विचार याचिका। अभी अयोध्या मामला का केस आया था, अभी मैं पेपर रखी हूँ, यहाँ पे बोला गया है अयोध्या फैसले, जैसे अयोध्या का आपको पता है कि ये इस पे जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है कि जो इतने माइल जो है आपको, इतने जो डिसमिल है, इतने माइल जो है अयोध्या को राम मंदिर बनाने के लिए दिया जाएगा, और बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, और जो 2.5 एकड़ है अयोध्या के लिए जो हमारे राम मंदिर है उसके लिए जमीन दी जाएगी। बट क्या है कि यहाँ पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो है जिला, उन्होंने कहा है कि अयोध्या फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए वो फैसला 17 को लेंगे, यानी इनको अभी मंजूर नहीं है कि अयोध्या के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया है अयोध्या विवाद, या हम कह सकते हैं अयोध्या के राम मंदिर के लिए, तो जिलानी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार दाखिल करने के लिए हम 17 को निर्णय देंगे। मींस हो सकता है कि पुनर्विचार करने के लिए कहा जाए कि आप अयोध्या में जो राम मंदिर बनाने के लिए 2.5 एकड़ जो जमीन लिए हैं उसे न दिया जाए, ये ऐसा कहना चाहते हैं जो हमारे जिलानी साहब है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष जिलानी साहब। यहाँ पर अब बात आती है कमिटीज की, कमिटी क्या कहता है, जो हमारे सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का 6th पॉइंट है कमिटी। कमिटी कहता है कि जैसे कमिटी क्या होती है, कमिटी मींस होती है कि ऐसी जो रिपोर्ट होती है जो संविधान के अंतर्गत होती है, तो वो क्या होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सोर्स होती है। कमिटीज वगैरह भी जैसे समितियां हो गई, लोक लेखा समिति इत्यादि जितने भी समिति हो जाते हैं वो किसके अंतर्गत आती है, सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर 7th पॉइंट आता है गवर्नमेंट रिपोर्ट। गवर्नमेंट रिपोर्ट क्या कहता है, जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट में की गई सिफारिश को अमल करती है, ये क्या करती है कि सो रिपोर्ट को भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स माना जाता है। जो भी गवर्नमेंट रिपोर्ट रहती है उसे भी क्या किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स माना जाता है। 8th पॉइंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन मीन्स होता है कि प्रशासनिक जो विधायी शक्तियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है, प्रशासनिक जो विधायिका है उसके बारे में बताया गया है। प्रशासनिक विधायिका के अंतर्गत आपको तो पता है कि लोकसभा हो जाती है, राज्यसभा आपकी, केंद्र शक्तियाँ हो जाती है आपकी, जो
राज्य की सरकार हो जाती है, केंद्र की सरकार हो जाती है, राष्ट्रपति हो जाते हैं, प्रधानमंत्री हो जाते हैं, जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हो जाते हैं, जितने भी क्या होती है एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन के सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन के अंतर्गत यही चीज बताया गया है कि हमारे जितने भी लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब जो है सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ माने जाते हैं इसके अंतर्गत, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन के अंतर्गत। ओके, आज आपने जाना कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होती है और इसके सोर्स के हम बारे में हम लोग जाने। कल हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का टॉपिक है एंड कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है। आई होप आज आपको ये कॉन्सेप्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्लियर हो गया होगा। अगर आप कोई भी चीज़ों में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।